हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि जो ई मित्र के लिए मंत्रा मोर्फो पुराने वाले डिवाइस से बंद हो रही है, कुछ इश्यू भी आ रहा है, तो इसका समाधान आप किस प्रकार करो, या फिर नई डिवाइस हो तो उसको आप किस प्रकार इंस्टॉल करो, तो उसके मैं आपको आज इंस्टॉल करना बताऊँगा। जो मंत्रा L1 नई डिवाइस आई है, 110 नंबर है जो उसका मॉडल नंबर है, मंत्रा का 110 नंबर मॉडल है, मैं आपको बता देता हूँ। ये है मंत्रा, मेरे पास ये मंत्रा जो L1 है, ये है मंत्रा L1, मंत्रा की डिवाइस है ये L1 MF 110 है, और ये है मोर्फो की डिवाइस जो 110 नंबर L1 है, ये मोर्फो की L1 डिवाइस है। ये हम किस प्रकार अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें, या कोई इशू आए तो आप किस प्रकार इसको कर सकते हो इंस्टॉल, तो मैं आपको इसके बारे में आज बता रहा हूँ। तो आप वीडियो पे बने रहना, और आप अपना मंत्रा या मोर्फो L1 किस प्रकार इंस्टॉल करो तो आप कर सकते हो। तो अभी हम सिस्टम पे जाएंगे, तो सिस्टम पे हम आए हैं। हाँ, सिस्टम है अपने पास, ये लैपटॉप है, तो अपने को लैपटॉप में ये डिवाइस इंस्टॉल करनी है। तो हम किस प्रकार इंस्टॉल करें, तो सबसे पहले अपने को नेट जोड़ना है, तो नेट पे हम जोड़ लिया, और नेट पे हमने इस पर गए गूगल पे जाने पे, यहाँ गूगल है, गूगल हमने खोल लिया, और इस पर हम ये है गूगल अपने पास, और यहाँ पे अपने को जाना है गूगल पे, गूगल, और यहाँ पे अपने को लिखना है जो आपको ड्राइव इंस्टॉल करना हो, मोर्फो करना हो तो मोर्फो, और मंत्रा करना हो तो मंत्रा। जैसे अपने को मोर्फो करनी है तो मोर्फो RD लिखोगे तो ये आ गया RD पे क्लिक करोगे तो ये आएगी आगे, इसका लिंक आया, ये फर्स्ट है, तो मोर्फो इस पर जाओ आप, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद ये अपनी साइड है आगे खुली है, तो अपने को जो जो मॉडल अपने को इसने दिखा दिया, तो अपने पास जो साइड है, अपने पास जो है उसके हिसाब, यहाँ पे देखो दिया हुआ है डाउनलोड, तो इस पर आप डाउनलोड पे आओ, और यहाँ पे डाउनलोड पे आके, और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ना, ये L1, तो RD L1 पे इस पर जाना है अपने को, और यहाँ पे ये RD L1 का ड्राइवर दिया है विंडो का, इस पर आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसको यहाँ पे पहले इसको सेव कर दिया हमने, और ये सेव हो गया, और इसको आप अभी विनजिप में आया है ये, इसको ओपन कर लो। ओपन करने बाद ये फाइल ऐसी आएगी, तो अपने पास जो डिवाइस है मंत्रा की, ये डिवाइस अपने पास, तो ये डिवाइस अपने पास, इसको हम सिस्टम में लगाएंगे। इस पर यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आपको लिखा हुआ मिलेगा कि भाई ये देखो नीचे लिखा हुआ है L1, ये डिवाइस अपने को ये सिस्टम में लगानी है। ये हमने USB में लगा दी इसको, USB यहाँ पे, इस पर USB लगा दो, और अभी ये ड्राइवर है इसका यहाँ पे दिया हुआ, इसको ओपन करो, और ये सेटअप फाइल है इसकी, और यहाँ पे ये फाइल दिया हुआ है, और इसको आप रन कर दो, ये अपने सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी, और कुछ नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, और जैसे जैसे करिए ये ड्राइवर इस प्रकार इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें देखो ये हो रहा ना, ये हो गया, इस प्रकार आप अपने सिस्टम में इसको डाउनलोड कर सकते हो, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप कोई हो, किसी में भी हो आप कर सकते हो। ये अभी इसका हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, ड्राइवर ले रहा है, और इसी प्रकार आप इस मंत्रा डिवाइस जो MFS 110 है ये कर सकते हो आप इंस्टॉल। इसी प्रकार इसका भी ड्राइवर आपको मिल जाएगा, इसका भी मैं आपको बता दूंगा। ये आप इंस्टॉल हो गई, कंप्लीट हो गई इंस्टॉल, अभी आप इसको डिवाइस को आप काम ले सकते हो। अभी लगाओगे तो रेडी है, मतलब लाइट भी शो कर रहा है, और यहाँ पे आपको डिवाइस इंस्टॉल हुई, आप अपनी ID लॉगिन करके देख सकते हो। तो इस प्रकार आप
मंत्रा या मोर्फो एल1 इंस्टॉल कर सकते हो।